जिंदगी में कहीं भी ठिकाना नहीं मिल सकता है। बेटी का जीवन वो होता है, एक बेटी की शादी के समय एक कभी भी पिता एक अपने मासूम बच्चे की लाश पे इतना नहीं रोएगा जितना कि जिस समय अपनी बेटी को विदा करता है उस समय रोता है। उस समय रोता है बेटी। अपनी जिंदगी में माता बहनों तीन चीजें लाती है और तीनों चीजें लेकर के चली जाती है। तीन चीजें लाती है, पहले नंबर क्या लाती है? लक्ष्मी। दूसरे नंबर पर क्या लाती है? शक्ति। और तीसरे नंबर पर क्या लाती है? खुशी। पहले लाती है लक्ष्मी, फिर लाती है शक्ति और तीसरे नंबर पर क्या? खुशी। अब समझ लेना मेरी एक मिनट बाद। तुमने देखा होगा कभी एक पिता चाहे कितना भी गरीब क्यों न हो, गरीब पिता पे कभी कोई कितना भी पैसा न हो, लेकिन जब बेटी को विवाह करेगा ना तो न जाने परमात्मा न जाने कहां से उसके पैसा जेब में आ जाता है। अगर जा जेब में हाथ डाले वो तो जाऊ में पैसा निकले, वो जाऊ में निकले वो और जाऊ में निकले वो कब तक? कब तक निकलेगा मैया? जब तक बेटी को डोली में नहीं बिठा देगा तब तक। कभी देख ले, और फिर जब डोली में बिठा देगा और सोई बाप बबुला की जेबन में कोई पैसा नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि बेटी लक्ष्मी लाई और लक्ष्मी लेके अपनी ससुराल में चली गई। दूसरी चीज मैंने क्या बताई? शक्ति। एक बूढ़ा पिता बापे हिसाब से चलो न जा रहा हो और जब बेटी की शादी करे वो तो दो दो महीना पहले कार्ड पटावे वो शादी के, टेंट वाले को करे वो, हलवाई को भी करे वो, भागता रहेगा पूरी पूरी रात। शादी होगी तब पूरी रात सोएगा नहीं और भागता रहता है, नंगे पैर भागता रहता है। कब तक? जब तक बेटी को डोली में नहीं बिठाएगा तब तक। और जो बेटी को डोली में बिठा देगा तो तुम कभी अंदाज लगा लेना, एकदम जाकर के चारपाई पे गिर जावे वो, टेंट वालों आवे वो, भैया मेरी तो बाल्टी गायब हो गई है, तो का कहवे वो, भैया मुंह पे उठो ना जा रहे हो, अब मेरे पैरों से चलो ना जा रहे हो, दो दिन बाद तेरी बाल्टी ढूंढ के दे आऊंगा। तो जब बताओ, जब तक बेटी डोली में न बैठी तब तक खूब चला और डोली में बिठा दी तो फिर इसका मतलब चला नहीं जा रहा। तो ये सिद्ध होता है कि बेटी अपने पिता के अंदर शक्ति लाई और शक्ति लेके चली गई कहां? ससुराल। क्यों बताऊं? एक बूढ़ा ससुर वो हिसाब से 1 किलोमीटर न चल पावत होए और बाय पता चले वो कहवे वो आप तो बहू आई है मेरी, तो बेऊ खुशी के मारे झूमने लगे हैं, क्योंकि माता पिता के शरीर को तो शक्ति खत्म कर गई बेटी और सास और ससुर में जाकर के शक्ति को प्रविष्ट कर दिया, वो खुशी के मारे झूमने लगते हैं। तीसरी चीज मैंने क्या बताई? खुशी। खुशी का मतलब है यानी रिश्तेदार आएंगे, चलो आज फलाने की बिटिया की शादी है, खूब खुश होंगे, खूब खुश होंगे। और जब बेटी की विदाई करेंगे तो रिश्तेदार भी रो जाएंगे, सब लोग रो जाएंगे, सब रोते हैं, क्योंकि खुशी लाई और खुशी लेकर के संग गई बेटी कहां? सास और ससुर के घरे। रिश्तेदार होंगे, का कहेंगे आज तो बहू को नाच हो गए वो, आज तो देख ही चलेंगे, हैं? तो बे बड़े खुश हो रहे और बेटी के माँ बाप के घर पे सब लोग रो रहे हैं। ये जिंदगी होती है बेटी की। मैंने देखा एक बेटी का पिता गुजर गया, एक बेटी को पिता गुजर गयो। बेटी ने कही मैया सबके पिता आकर के बाबुल सबके विदा करते हैं, कब मेरो बाबुल आज मुझे विदा नहीं करेगा?
मैया ने कहा देख बेटी तेरो बाबुल हो तो तू विदा अवश्य करता, अब तेरो बाबुल है ही ना। बोले मैया देख अगर मेरो बबुला ना आवेगो तो तक मैं डोली में बैठ के नहीं जाऊंगा। मैया ने कह दी तो जा बक कमरा में तेरे बबुला की तस्वीर रखी है जाकर के देख लेना। भागत गई छाती से तस्वीर को लगायो बाबा माफ करिए तुन मो जन्म दे के क्यों चले गयो बाबुल, अगर तुझे यही मंजूर था तो तू मुझे जन्म न देता, तूने जन्म क्यों दिया। तभी काबा जाए लाडो तू मुझे दिखाई दे रही है पर मैं तुझे दिखाई नहीं दे रहा, जा तो ससुर मिले भाई तेरो बबुला है, सास मिले भाई तेरी माँ है, पति मिले वो साक्षात ब्रह्म है कन्हैया है उसी को मान लेना। ये संस्कार दिए अपनी बेटी के अंदर माता पिता भाई बंधुओं, बेटी पराया धन होती है। मैंने भाई ऐसे लोग देखे हैं कम से कम दसियों साल बेटी अपनी बहन से बात नहीं करते, बेटी को डोली में भी बिठा देते हैं लेकिन भैया रोज आवेगो पर अपनी बहन से बात नहीं करेगा। एक जगह के प्रमाण नहीं कई जगह के प्रमाण अपनी आंखों से दिखा दूं। माँ दसियों साल तक बहना से बड़ा भैया बोला नहीं था। एक दिन भैया और बहन में बहुत बड़ा वाद विवाद चल रहा था, किसी कलाकार ने गीत गाया वो बड़ा